हालेलुया। मेमने दी पत्नी नु शालोम। प्रभु तुम सब नु बहुत बरकत दवे। खुदा दे सुभाव दी एक छोटी जी गल करांगा कि खुदा ने मनुख नु क्यों बनाया। खुदा दे अंदर बेशुमार गुण सन, लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। खुदा उन्हां गुणां नु प्रगट करना चाहुंदा सी। खुदा अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ, अपनी वर्शिप खुद नहीं कर सकता सी, इसलिए ओ गॉड तो लॉर्ड बने। ओ खुदा खुद तो एक परिवार का रूप लिया, यहोवा। सो कहन दा मतलब मेमने ने अपनी पत्नी नु इसे लिए बनाया कि ओ उदी वर्शिप करे, उदे गुणा दा विख्यान करे। खुदा ने एक महान योजना बनाई जो अपनी दुल्हन तो वर्शिप ले सके। एक गुण, एक नेचर, उसका कभी खत्म नहीं हो सकता जद अत पवित्र साडा सेनावां दा यहोवा। स्वर्ग दे विच असीं बाइबल च पढ़ते हाँ उहदे अगे पिछे वर्शिप। जद खुदावंद धरती ते आए तद भी वर्शिप। खुदा जिथे हुंदा है उसकी वर्शिप हुंदी है। अज खुदा अपनी लाड़ी दे रूप दे विच उहदे अंदर है, ते ए हो नहीं सकदा कि उहदे लाड़ी दे अंदरों वर्शिप ना निकले। आओ खुदा दे एक होर एट्रीब्यूट अज गाउंदे हाँ। साडा खुदावंद साडा मुक्तिदाता है, उहदे कोड़े खांद नाल असीं चंगे होए, उसदे पवित्र लहू दे द्वारा सानू मुक्ति मिली, साडे पाप धोते गए। सो उस प्रीशियस लहू ले दी महिमा ले आओ एक गीत गाते हाँ। इस तो पहला कि मैं गीत गावा, मैं दो तीन आयता बाइबल च पढ़ना चाहता हाँ। वर्शिप दे उत्ते ही है, आप देखते हाँ कि बाइबल की शुरुआत दे विच ही दो भरा जिन्होंने अपने खुदावंद यहोवा नूं अपनी भेंट चढ़ाई, एक दी स्वीकार की गई, एक दी रिजेक्ट की गई। ते जिस दी रिजेक्ट हुई उसदे कोल रेवलेशन नहीं सी, जिसनूं आपां केन कहिंदे हां। ते खुदावंद ने केन नूं एक सवाल किया, आपां बाइबल चों ही पढ़दे हाँ उत्पत्ति 4:7 विच लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना हो जाएगी। हालेलुया। खुदावंद ने केन नूं इह सवाल किया कि जेकर तू भला करे तेरी भेंट ग्रहण ना हो जाएगी। आपां अगे जाके होर एक आयत पढ़दे हां, मत्ती दा अध्याय उदा 5 उदी 23 आयत तो पढ़ते हाँ। क्रोध और हत्या, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इत्थे भी भरावां दे मेल मिलाप की गल। खुदावंद ने कहा अपनी वर्शिप चढ़ाने से पहला अपने भरावां नाल मेल मिलाप कर लो। हुण मैं सीधा एक यूहन्ना उहदा 3:15 आयत तो पढ़दा, जो कोई अपने भाई से वैर रखता है वह हत्यारा है। तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। सो इन्ना अंत दिनां विच जो चोटी का पत्थर साडे लई आया है, ये भाईचारे की प्रीति नूं यूनिटी नूं लैके आया है। हुण ये समा नहीं है कि जिदा हुण पुराने नियम दे विच केन ने हाबिल नूं पत्थर मार के मार दिता। आज दी डेट दे विच स्पिरिचुअली फाइट दे विच भरा भरा दा कतल कर रहा,
जो कोई अपने भाई से वैर रखता है वह हत्यारा है। इस आयत दे विच साफ नज़र आ रहा कोई चाकू शुरू नहीं मारी गई, उहदे नाल जैलसी की गई, उहदे नाल पार्शियलिटी की गई, जिस नाल कि एक भरा दूजे भरा का मर्डर कर रहा। सो तीनों पोर्शनस दे विच शुरुआत विचकार ते अंत दे विच भी साडे कोल निचोड़ यही निकलदा कि एक भरा दूजे भरा दे नाल जद जैलसी करता है तो उसका कतल करता है, जिवें साडे पास्टर रोबिन जी ने भी पिछे प्रचार किया सीगा। जब एक भरा दूजे भरा दे नाल वैर करता है, जैलसी करता है, तो वो समझ लो कि वह गुलामी दे विच जा रहा है। उन्होंने एक हवाला दिता सी कि किस तरह यूसुफ दे भरावां ने जद यूसुफ नाल वैर किया तो वह गुलामी दे विच चले गए। सो असी एक दूसरे नाल प्रेम दे नाल रहिए, प्रीत नूं ठंडा ना पैन देइए। कहन दा मतलब जो साडी भाईचारे दी प्रीति उसनूं असी कायम रखना। हालेलुया, आओ प्रभु दी महिमा दे विच खुदा दे एक होर एट्रीब्यूट का गुणगान करते हैं, क्योंकि लाड़ी का यह सुभाव है कि वह अपने लाड़े की वर्शिप करती है। छोटी जी प्रार्थना करूँगा। स्वर्गीय पिता का बहुत ही धन्यवाद करता हाँ प्रभु जी, थोड़ा शुक्र करता हाँ कि खुदावन तुम मैं एक होर मौका बख्शिया कि खुदावन थोड़ी महिमा कर सकता, थोड़ा गुणगान कर सकता, थोड़ी तारीफ कर सकता और थोड़े एक होर एट्रीब्यूट का गुणगान कर सकता। खुदावंद मेरे होंठां नूं मसा करना, मेरी आवाज़ नूं मसा करना, तां जो तुहाडी महिमा लई गा सकीए। खुदावंद साडे विच कोई भी प्रभु जी काबिलियत नहीं है मेरे प्रभु, खुदावंद ये तां तुहाडा बेशकीमती लहू है। इस पवित्र मेमने दे लहू दे बहाए जाण दे नाल ही मेरे प्रभु खुदावंद असीं शुद्ध हो पाए हाँ। ते खुदावंद जो साडा विछोड़ा पै गया सी उत्पत दे विच, खुदावंद तुसी अपने इकलौते पुत्र नूं घल के जिसने अपना कीमती बेशकीमती लहू बहा के सानू मुड़ बहाल किया और खुदावंद सानू साडे स्वर्गीय पिता दे नाल मिलाया। बहुत धन्यवाद करदा हाँ और खुदावंद इस वर्शिप नूं तुहाडी महिमा लई तुहाडे चरणां च रखदा हाँ। प्रार्थना यीशु मसीह दे पवित्र नाम च करदा हाँ, आमेन। हालेलुया। थैंक यू। गीत दे बोल हन, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता शांति देता, उद्धार देता शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में बेकार का है जे जीवन, ऐसा कभी ना सोचो मन में बेकार का है जे जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मूल्य चुका कर, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मूल्य चुका कर। यीशु का लहू
सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। अति पवित्र में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। आमेन। अति पवित्र में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वो ही है भोर का तारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वो ही है भोर का तारा। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता शांति देता, उद्धार देता शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमेन। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के। आमेन। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जगह में, गवाह है उसके लहू से। आमेन। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, शुद्ध करता हमें। आमेन।